फिल्मों से शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं संजय दत्त। ट्वीट पर लिखा, जल्दी ही लौटूंगा। संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जल्दी ही रिलीज होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही संजय ने चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के सहारे बताया है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है और यही कारण है कि वो जल्दी ही मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। इस दौरान संजय फिल्मों से और बाकी कामों को लेकर भी ब्रेक पर होंगे। उन्होंने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ। मेरे दोस्त और परिवार के लोग मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे चाहने वाले परेशान ना हो और बेकार की कयासबाजी भी ना करें। आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ मैं जल्दी ही लौटूंगा। आपको बता दें कि संजय दत्त को हाल ही में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। संजय दत्त का कोरोना वायरस टेस्ट भी हुआ था और ये टेस्ट निगेटिव आया था। हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद से ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो संजय दत्त काफी बिजी हैं। फिल्म सड़क 2 में वो आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा उनकी फिल्म टोरबाज भी कुछ समय बाद रिलीज होने जा रही है। वहीं संजय दत्त केजीएफ पार्ट 2 में एक्टर यश के साथ भी नजर आने वाले हैं। हाल ही में संजय दत्त के केजीएफ पार्ट 2 से जुड़ा हुआ एक लुक भी रिवील किया जा चुका है, जिसमें संजय के लुक की काफी तारीफ भी हुई थी। हालांकि इंटरनेट पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये दावा किया था कि संजय दत्त का ये लुक हॉलीवुड की वेब सीरीज वाइकिंग से इंस्पायर्ड है।